नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियाँ तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति के सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है कि जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाते हैं। घर में दरिद्रता आती है, ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल और करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नंबर एक, पैर हिलाना। जिस घर की औरतें अगर खाना खाते समय अपने पैरों को हिलाती रहती हैं, तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, परिवार में तनाव बढ़ सकता है और किसी बड़े मुखिया की नौकरी भी छूट सकती है। नंबर दो, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है या फिर पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर तीन, चूल्हे पर जूठे बर्तन या कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना छोड़े, बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। नंबर चार, ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है, वहाँ भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दे, ये विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहीं से होता है। नंबर पाँच, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण बढ़ता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। नंबर छः, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है, इसलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ते हैं तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर सात, अगर किसी महिला को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। दोस्तों, देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति, उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है, परिवार में मृत्यु भी हो सकती है। नंबर आठ, पत्नी प्रेम सहनशीलता ममता और त्याग की मूर्त मानी जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत
कटु और कलेश पैदा करने वाली होती हैं। उनके स्वभाव में शिकायत करना और मन मुटाव की प्रवृत्तियां स्थापित होने लगती हैं। और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदा ही कलेश बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, इससे घर की बरकत में वृद्धि हो जाएगी। नंबर 9, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए। तुरंत पूजा पाठ भी कर लेना चाहिए। सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछुआ और पायल कभी उतार कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी वहीं उल्टे पांव से चली जाती हैं, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। नंबर 11, घर की महिला को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रख कर नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं की आदत होती है कि वो संध्या के वक्त अपने बालों को सवारने लगती हैं और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खोलकर घूमती हैं, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मकता आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करती। नंबर 12, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्य उदय के बाद में सोती रहती हैं, तो घर की बरकत चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातः काल सुबह उठें, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। नंबर 13, रात को या हर वक्त घर में जूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें, जूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दे। यदि ऐसा ना कर पाए तो जूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रख दें। इसके साथ ये भी ध्यान में रखें, घर की महिलाएं जूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसे। दोस्तों, सच्चे दिल से माता को बुलाने के लिए कमेंट में लिखें, माँ, हमारे घर में आपका स्वागत है। जय महालक्ष्मी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।